क्या आपको पता है कि गाय, भैंस और बकरी में से सबसे ज्यादा फायदेमंद दूध किसका होता है? क्योंकि आपने अक्सर लोगों को इस बात पर बहस करते सुना होगा। कोई भैंस के दूध को तो कोई गाय के दूध को अच्छा बताता है, कोई कहता है कि सबसे अच्छा बकरी का दूध होता है। चलिए हम आज आपके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं और आपको सच्चाई बताते हैं। हम आपको काफी आसान तरीके से समझाएंगे कि किसके दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है, कौन ज्यादा फायदेमंद होता है और किसके दूध में कौन सा न्यूट्रिएंट कितना पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। अगर हम गाय, भैंस और बकरी तीनों के 100 ग्राम दूध को एक सामान्य पैमाना मानकर चलते हैं, तो गाय के 100 ग्राम दूध में 3.2 ग्राम प्रोटीन, भैंस में 3.8 ग्राम और बकरी के दूध में 3.6 ग्राम प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। गाय के 100 ग्राम दूध में 66 कैलोरी, भैंस के दूध में 97 कैलोरी और बकरी के दूध में 69 कैलोरी एनर्जी होती है। इसी तरह अगर फैट देखा जाए तो गाय में 3.3 ग्राम, भैंस के दूध में 6.9 ग्राम और बकरी के दूध में 4.1 ग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो गाय के 100 ग्राम दूध में 5 मिलीग्राम, भैंस में 19 मिलीग्राम और बकरी में 11 मिलीग्राम होता है। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो गाय के दूध में 4.8 ग्राम, भैंस में 5.2 ग्राम और बकरी में 4.5 ग्राम पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को एक साथ समझने के लिए वीडियो पॉज करके आप यह चार्ट देख सकते हैं। जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं कि गाय के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे हार्ट के मरीजों के लिए बेहतर माना जाता है। भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो मांसपेशियों के निर्माण और उसकी रिपेयरिंग में फायदा पहुंचाता है। इसलिए जिम जाने वालों और शारीरिक तौर पर ज्यादा मेहनत करने वालों के लिए भैंस का दूध ज्यादा कारगर है। हालांकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसे हार्ट के मरीजों के लिए ठीक नहीं माना जाता। आखिर में बात करते हैं बकरी के दूध का। दरअसल बकरी के दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होती है, जिससे यह आसानी से पच जाता है, इसलिए यह लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए बेहतर माना जाता है। साथ ही बकरी का दूध डेंगू के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम की होगी। हम ऐसी ही और जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।